सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला पार्षद के पास हो जाती है कि हर आदमी को उम्मीद होती है कि पार्षद के पास जाएंगे ये काम करा लेंगे। हरियाणा के अंदर जितने भी जिला पार्षद मौजूद हैं उन सभी ने अपनी एक कमेटी बनाई है और उसके अंदर उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। आने वाले 22 तारीख को भिवानी में पूरे हरियाणा के पार्षदों की पंचायत है जो अपनी मांगों हमारे हक और हमारे अधिकारों की मांगों की बारे में है। ये सिर्फ पार्षदों की हक की लड़ाई है जो जायज है। इससे 5 साल जो दिक्कतें होती है पार्षद को जो भुगतना पड़ता है। 22 तारीख में आल और हरियाणा के जितने भी पार्षद सभी पहुंच रहे हैं। हमारे कुछ 13 पॉइंट है जो हमारे आल और जो सदस्य तो छोटी पावर जो है वो पार्षदों को दे दी जाए। जो एमएलए के पास पावर होती है उससे छोटी पावर पार्षद की जो आज पावरें हैं वो ना के बराबर हैं। ये सिर्फ एक सीट दी गई है, वोट मांग के लोग अपने घर बैठ जाएं ऐसा होना नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ एक बार फिर से कुछ जो जिला पार्षद हैं वो मौजूद हैं और इनकी मांगों को लेकर के आज ये कुछ कहना चाहते हैं जो कि पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी जिला पार्षद मौजूद हैं उन सभी ने अपनी एक कमेटी बनाई है और उसके अंदर उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आखिर वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो मांगे कौन कौन सी हैं, उनको लेकर के आज हमारे साथ में 3 यहाँ पे पार्षद मौजूद हैं जिनमें से एक जो पार्षद प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं और 2 जो स्वयं जिला पार्षद हैं वो मौजूद हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं और इनसे जान लेते हैं कि जो मांगे हैं वो आखिर हैं तो हैं क्या। सर, सबसे पहले तो आप तीनों का ही स्टेट न्यूज़ हरियाणा पे स्वागत है। स्वागत है। सबसे पहले तो अमित अमन जी, आपके सारे दर्शकों को हरियाणा पार्षद एकता की तरफ से राम राम जी। सर, आप ये बताएं सबसे पहले तो आप लोगों ने जो कमेटी बनाई है उसका कोई नाम रखा है, क्या कुछ कमेटी है और उसके अंदर क्या क्या आपने शर्तें रखी हैं, उसके अंदर शामिल होने वाले पार्षद कौन कौन से होंगे, ये चीज़ें बताएं सर। हमारा हरियाणा पार्षद एकता के नाम से ये मिशन चला है जो ये कमेटी कार्यकारिणी बना रहे हैं 22 तारीख को। आने वाले 22 तारीख को भिवानी में पूरे हरियाणा के पार्षदों की पंचायत है जो अपनी मांगों हमारे हक और हमारे अधिकारों की मांगों की बारे में है। तो हम सरकार से अपनी मांगे पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि जो पार्षद बने हुए हैं उनकी एक तो मानदेय है, एक पिल्शन है, एक जो अधिकार है वो ना के बराबर है। जबकि प्रतिनिधि जो चुन के आता है वो कम से कम 30-35 गाँव से एक पार्षद है और लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं। ठीक, तो जनता की भावना को देखते हुए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों को अच्छा कितना मानदेय हो जाए तो अच्छा रहे या कितने में काम चल सकता है, क्योंकि आपने बताया कि आप बड़े प्रतिनिधि हैं और आपसे मिलने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है, तो कितना मानदेय तय होना चाहिए? मानदेय हमारे हिसाब से तो एक विधायक के जो क्षेत्र होता है उसमें 4 पार्षद होते हैं जी। तो हम मानते हैं कि जो विधायक की सैलरी है उसका 4th हिस्सा एक पार्षद को मिलना चाहिए क्योंकि वही बाजदौड़ होती है। विधायक तो फिर भी मतलब हल्के से बाहर काफ़ी काम होते हैं उनको, हमें रेगुलर जनता के बीच रहना पड़ता है, जनता की समस्याओं में दुख में सुख में जाना पड़ता है। लोगों की समस्या सुनने के लिए एक ऑफिस भी निर्धारित करना पड़ता है जहाँ पे आने जाने वाले के लिए भी मतलब खर्चे पैसे के बगैर तो आज कुछ नहीं होता। जो ईमानदारी से काम करना चाहता है तो पार्षद बनने के बाद वो कोई बिजनेस तो कर नहीं सकता कि कोई बिजनेस है, ठीक है। और जो ईमानदार आदमी है सबसे बड़ी दिक्कतें उसको आती हैं और सारे पार्षद ईमानदार हैं जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जनता उस पर विश्वास दिखाती है तो ईमानदारी या उनकी छवि की वजह से ही दिखाती है जी। तो हमारी सरकार से मतलब सहज से ही ये मांग है पहले कि कम से कम 50,000 रुपये मानदेय होना चाहिए जी। और पूरे जो जितने भी हरियाणा के पार्षद हैं इनको पूरी पावर पूरा अधिकार होना चाहिए कि अपने क्षेत्र पर, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैं अगर अपने घर की गली भी बनवाना चाहता हूँ तो एक पार्षद को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी गली को किसी प्रकार भी बना सके जी। ठीक, तो ऐसा अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र अधिकार, कि वो चाहे तो अपने निजी जो काम है, जो अपने मतलब गांवों पूरे वार्ड के जितने भी निजी काम हैं तो वे अपने अधिकार से करवा सकता है जी। आप काम सारे प्रमुख के उससे करवाने पड़ते हैं, काम हो जाते हैं लेकिन फिर भी प्रमुख का अपना एक अधिकार अलग से होना चाहिए पार्षदों के अलावा। मैं चाहता हूँ कि सभी पार्षदों के, हरियाणा के जितने पार्षद हैं तो अमित जी इनको मतलब अपना अधिकार होना चाहिए, प्रमुख का कोटा कुछ अलग हो ताकि वो अपने अधिकार से, क्योंकि पार्षदों से ऊपर होते हैं वो, तो उनको कोई अधिकार अलग हो भी वो काम अपने लेवल पे अलग से ज़्यादा से करा सके। बिल्कुल, तो हमारी यही मांगे हैं और ये पूरे हरियाणा के पार्षद आने वाले 22 तारीख को भिवानी में स्थान बता दिया जाएगा, सभी इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद कार्यकारिणी बनाई जाएगी, सरकार को अपनी मांगे रखेंगे सरकार के सामने और जो कुछ मांगे हैं वो भाई सुरेंद्र माड़िया जी आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं आपसे
क्या इस चीज़ के लिए आपने कोई शर्तें भी रखी हैं? जो आपने कमेटी बनाई है वो पूरे हरियाणा की बनाई है आपने, तो उसके अंदर जितने भी आने वाले पार्षद हैं, क्या उनके लिए भी कोई आप लोगों ने शर्तें या कोई और चीज़ या नियम कोई कुछ बनाए? नहीं, कोई शर्तें नियम नहीं है। पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि इनमें हिस्सा ले सकते हैं, और इसमें नियम क्या है, सबकी हकों की मांगे हैं ये जी। ठीक है, और इससे अलावा ना कोई किसी पार्टी से हो, इसका कोई किसी पार्टी पक्ष का विपक्ष का कोई रोल नहीं है इसमें। ये सिर्फ पार्षदों की हक की लड़ाई है जो जायज़ है। इससे 5 साल जो दिक्कतें होती हैं पार्षद को, जो भुगतना पड़ता है, वो हम चाहते हैं कि सरकार इसमें सहयोग करे, हम जनता का समाज सेवा का जो काम हमने जिम्मा उठाया है वो बखूबी निभा सकें। बिल्कुल। तो आजकल एक चीज़ और देखी जा रही है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो रोड पे सड़क पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं धरना देते हुए, चाहे हम सरपंचों की बात कर लें या कहीं दूसरे क्षेत्रों की बात करें, तो कहीं पे विधायक बैठे हैं, कहीं पे मुख्यमंत्री धरने पे बैठ गए। तो क्या आप लोग भी आगे चल के अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं? वो 22 तारीख को जब कार्यकारिणी बनाई जाएगी तो वो फैसला लेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या कदम उठाना है। हमें लगता है कि सरकार हमारी मांगे, जो जायज़ हैं हमारी मांगे, नाजायज एक भी नहीं है। अगर कोई भी आदमी इस बात पर डिबेट करना चाहते हो कि ये गलत है, तो मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपके हाथ में आपने कुछ अपनी चीज़ें नोट की हैं जिसमें कि आप मांगे अपनी बताने वाले हैं, तो वो क्या क्या हैं सर? सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज हरियाणा का जी, हरियाणा पार्षद एकता की तरफ से राम राम सभी दर्शकों को। और हरियाणा में जितने भी पार्षद हैं जी, भाई विनोद ने बता ही दिया, 22 मार्च को भिवानी में सभी एकत्रित हो रहे हैं जी। अभी आपने एक शब्द बोला था, अबे कमेटी, अभी से कोई कमेटी नहीं बनाई है जी। कभी किसी के रूलर चल जाए कमेटी बना दी, ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है। कमेटी तो क्या ये उसी दिन डिसाइड होगा कमेटी बनेगी नहीं बनेगी? उसी दिन ही डिसाइड होगा कमेटी का। 22 तारीख ने आल ओवर हरियाणा के जितने भी पार्षद सभी पहुंच रहे हैं और सभी के पास मैसेज जा रहा है और सभी से बातचीत हो रही है। 22 तारीख को जो भिवानी पहुंचेंगे उस टाइम पे कमेटी का निर्णय होगा, और किस तरह की क्या रूपरेखा होगी वो आगे उस कमेटी के बाद में पता चलेगा जी। आपके हाथ में जो मांगे हैं वो कौन कौन सी हैं, जरा आप बताएंगे पेपर के अंदर क्या है? हमारी कुछ मांगे हैं, इसमें 13 पॉइंट हैं हमारी कुछ मांगे का। नंबर एक, मानदेय, हमारा मानदेय 50,000 रुपये होना चाहिए जी। नंबर दो, टोल फ्री के लिए, क्योंकि पार्षद एक जिला में, जिला के में टोल भी पड़ते हैं, और कार्य के लिए वो रोहतक या फिर चंडीगढ़ या किसी दूसरे जिले में जाता है तो टोल देना पड़ता है। बिल्कुल। अगर चंडीगढ़ एक हफ्ते एक महीने में अगर पार्षद दो बार चंडीगढ़ चला गया तो टोल तो बहुत ज़्यादा, लगभग रेवाड़ी से चंडीगढ़ का टोल लगभग 900 रुपये के आसपास टोल लगता है जी। अगर दो बार चला गया तो 9 × 18 1800 रुपये गए उसके। तो एक ये टोल का है। दूसरा, सभी पार्षदों का कार्यालय जी, क्योंकि अभी सीएम ने भी घोषणा कर रखी है कि भी सभी जिलों में पार्षद का कार्यालय अलग से नॉमिनेट किया जा रहा है, वो भी इसमें इंक्लूड है। और कामकाज के लिए एक सहायक कर्मचारी हर पार्षद को मिलना चाहिए जी, क्योंकि कार्य के लिए हर पार्षद तो हर जगह नहीं पहुँच पाएगा। अगर एक सहायक मिल जाए तो सुविधा ही होगी पार्षद को जी। नंबर तीन, चार है, संबंधित वार्ड के कार्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए NOC जिला पार्षद से, जो संबंधित वार्ड है उसमें जितने भी विकास कार्य के काम हो उसके लिए जिला पार्षद की NOC बहुत जरूरी हो जी। एक ये इसमें पॉइंट है। नंबर दो है, 5 नंबर पे है, PWD रेस्ट हाउस के लिए, रेजिडेंस के लिए, रहने के लिए। अगर पार्षद कहीं दूसरी जगह जाता है या रेवाड़ी में जाता है पार्षद और रात को रुकना पड़ गया तो वहाँ पे उसके रुकने की व्यवस्था हो, जैसे MLA MP की रुकने की व्यवस्था होती है, अपना जो भी उसका चार्ज होता है वो चार्ज दे दिया जाएगा और पार्षद को वहाँ रुकने की व्यवस्था हो। नंबर 6 पे है पार्षदों की पेंशन, क्योंकि एक सरपंच की भी पेंशन है, एक MLA की भी पेंशन है और प्रमुख की भी पेंशन है और MP की पेंशन होती है, क्या पार्षद की नहीं हो सकती? अगर पार्षद 35 से 40 हज़ार वोटों के बीच में जीत के आता है और उसकी कोई पेंशन नहीं है और एक सरपंच होता है, हम सरपंच की ये नहीं कह रहे कोई कटनी चाहिए, हम ये चीज़ नहीं कह रहे, भाई हमारा भी हक है, हमारी भी पेंशन होनी चाहिए। 15,000 रुपये हमने मेंशन कर रखे पेंशन हो। नंबर 7 पे है, PHC CHC पशु चिकित्सालय में निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान हो जी। जो संबंधित वार्ड हो उस संबंधित वार्ड का में जो PHC CHC और पशु चिकित्सालय होते हैं उसमें निरीक्षण करने की,
जिला पार्षद को शक्ति प्रदान करनी है, क्योंकि किसी भी जाके पीएचसी में चला जाए या सीएचसी में चला जाए, डॉक्टर से मिलना है, उसमें दवाई नहीं है, जो भी है उसके निरीक्षण करने की शक्ति पार्षद को होनी चाहिए। नंबर 8 पे है एमएलए एमपी की तर्ज पर हर पार्षद को डिक्यू कोटा बोलते हैं, ऐच्छिक निधि बोलते हैं, जैसे एमपी की होती है, एमएलए की होती है, ऐच्छिक कोटा होता है, उसी तरह पार्षद का भी ऐच्छिक कोटा होना चाहिए कि वो अपने उस निधि से कहीं पे भी यूज कर सकता है। तो हमने इसमें 3 लाख रुपए की बात रखी है। नंबर 9 पर है सभी पार्षदों को प्रोटोकॉल अधिसूचना जारी हो जी। और नंबर 10 के ऊपर है सभी जिला पार्षदों किसी न किसी विभाग से अटैच किया जाए जी। जो 10 नंबर पे पॉइंट है, जो सपोज कर लो रेवाड़ी के में जिला पार्षद 18 है और जितने भी विभाग हैं उन विभागों में एक पार्षद अटैचमेंट कर दिया जाए, क्योंकि कोई समस्या हो तो जो दूसरा पार्षद वो उसको पता कर सके, बता सके, कह सके। अगर माल बिजली बोर्ड की कोई समस्या है तो वहाँ से कोई पार्षद अटैचमेंट होगा तो उसका काम भी अच्छा होगा और समस्या का निदान भी होगा, क्योंकि हर पार्षद एक धरातल से जुड़ा हुआ होता है, जबकि एमएलए एमपी भी जुड़ा होता है, परंतु उस तक पहुँचने के लिए टाइम जरूर लगता है। और पार्षद तो हर परिवार से, हर सदस्य, हर कैंडिडेट से जुड़ा होता है, नागरिक से। और हर जिले का अपना बजट हो, जिला पार्षद का 11 नंबर पे है, हर जिला पार्षद जिला का एक अपना बजट हो और उस बजट में सभी को अपना एक निर्धारित कोटा बराबर का हो। सपोज कर लो रेवाड़ी जिला के में 10 करोड़ रुपए की ग्रांट आई, उसमें 18 के 18 पार्षदों को एक अनुपात राशि के में सभी को अपना कोटा मिलना चाहिए जी। और जो प्रमुख का हो वो अलग से हो प्रमुख का। और नंबर 12 पे 1500 किलोमीटर पार्षद को तेल मिलना चाहिए, जैसे जिला प्रमुख को मिलता है जी, इसी प्रकार 1500 किलोमीटर का तेल, क्योंकि एक 35 40 या 28 30 गांव होते हैं, तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर का दायरा होता है। अगर एक बार पार्षद जाता है जी, तो लगभग अनुमान के 100-150 किलोमीटर तक निकल जाती है, तो वो भी मिलना चाहिए। नंबर 13 पे जिला पार्षद चेयरमैन और उप चेयरमैन, इनका मानदेय बढ़ाया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पार्षद प्रमुख हैं और वाइस प्रमुख हैं उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए जी। ये हमारे कुछ 13 पॉइंट हैं जो हमारे आल और जो सदस्य जो अभी जुड़े हुए हैं उनने जो सुझाव निकल के आए हैं, जो हमें राजस्थान से या एमपी से जितने भी वहाँ से जो अधिनियम पंचायत राज एक्ट के तहत वाला हुआ उनसे निकाल के हमने रिसर्च करके जब हमने ये पॉइंट रखे हैं, मतलब वहाँ पे पहले से लागू हैं, तो आप चाहते हैं कि वही यहाँ भी लागू कर दिया जाए। हाँ, वो भी लागू कर दिया जाए, क्योंकि जिला पार्षद तक जो वोट जो जिला पार्षद को देते हैं लोग, वो हार्डली टच होके वोट देते हैं, और जबकि एमपी एमएलए लगा लो वो पार्टी लेवल पे होता है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला पार्षद के पास हो जाती है कि हर आदमी को उम्मीद होती है कि पार्षद के पास जाएंगे ये काम करा लेंगे जी। तो ये चीजें हैं कुछ निकल कर आ रही है। और जो लेकिन अब आपका कहने का साफ मतलब ये है कि लोगों के काम नहीं हो पा रहे, उनको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा कि किससे आसानी से मिला जाए, कोई हमारा ऐसा प्रतिनिधि हो जिसे हम आसानी से मिल लें और हमारे काम हो जाएं, क्या ऐसा ही आप कहना चाहते हैं? ऐसा ही है, पर उसमें सरकार को भी फायदा है। अगर जिला पार्षद को पावर देंगे तो सरकार को भी, क्योंकि सरकार जो जो भी चीज धरातल पर लानी चाहती है तो पार्षद के मार्फत भी आ सकती है जी। अगर पार्षद के मार्फत आएगी तो लोगों का काम भी होंगे, काम होंगे कि सरकार की भी वो चीज रहेंगी जी। हम तो ये चाहते हैं कि जो पावर दे तो जिला पार्षद को भी दे और लोगों का काम हो जी, हम ये चाह रहे हैं। तो सीधी सीधी जो बातें हैं हम जो भी समझ पाए यहाँ से, वो यही है कि लोगों को अपने काम करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो छोटी पावर जो है वो पार्षदों को दे दी जाए, जो एमएलए के पास पावर होती है उससे छोटी पावर, या कहीं सरपंच और एमएलए के बीच की जो पावर है वो इनको दे दी जाए सीधे तौर पर। और साफ तौर पर एक चीज और है, ये बता रहे हैं कि इनका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लोग मिलने वाले ज़्यादा हैं, तो इस बिहाब पे इनका जो मानदेय है वो भी तय होना चाहिए, और जितना मानदेय इन्होंने अपनी 13 शर्तों के अंदर लिखा है उस हिसाब से होना चाहिए। और इस विषय को लेकर के 22 मार्च को भिवानी के अंदर एक बड़ी सभा होने वाली है, जिसमें कि पूरे हरियाणा के जिला पार्षद वहां पे पहुंचेंगे और उसके बाद आगे क्या किया जाएगा
उसके ऊपर विचार विमर्श होगा और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो वहीं पे तय की जाएगी। लेकिन सरकार के सामने सीधी सीधी जो 13 मांगे इन्होंने बताई हैं वो रखी गई हैं इनके द्वारा, उनके ऊपर सरकार की तरफ से काम हो जाए तो इनके लिए भी अच्छा हो जाए और जो लोग इनसे मिलने वाले हैं या जिन लोगों ने उम्मीद करके इनको वोट दी है उनके भी कुछ काम हो जाएं। सर ऐसा ही है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने सभी पार्षदों से, रेवाड़ी की तरफ से हम 18 पार्षद हैं और हमारी सबसे बात होगी, हमारा जो परिवार है रेवाड़ी का, ये सब इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हमें इसलिए आती है, हम पब्लिकली मतलब हर आदमी के परिवार है हमारा, ये जो वार्ड होता है ये, इसमें हर घर तक हमारा जाना आना रहता है दुख में सुख में। तो लोग हमें कहते हैं भाई मेरी गली है, मुझे पानी की समस्या है, मेरा पक्का मकान की समस्या है, तो हमारे पास कोई अधिकार तो है ही नहीं, किसी पावर के पास, किसी पार्षद के पास भी नहीं है। अगर पार्षद की जो आज पावरें हैं वो ना के बराबर हैं, ये सिर्फ एक सीट दी गई है, वोट मांग के लोग अपने घर बैठ जाएं ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जनता की भावना है उनका आदर करना चाहिए। और सरकार बिना पावर के जनप्रतिनिधि आप लोग बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई सत्य नहीं है, मैं एक अटल सत्य ये कह रहा हूँ कि जिला पार्षद के पास कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, प्रमुख के पास होते हैं, लेकिन प्रमुख की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हर विभाग से हमें अधिकार हो, मतलब आप एक छोटा MLA समझ लो जी, तो जो MLA के पास पावर होती है उनसे कम जो पावर होती है उनके नीचे की जो देखरेख होती है, क्योंकि जनता पूरी जनता MLA से कनेक्ट नहीं हो सकते, पूरे वार्ड पूरा हल्का, और हमारे मार्फत क्योंकि ज़िले में 18 हो जाते हैं, ये एक MLA के 4 पार्षद बांटाते हैं, मतलब करीब 4 के करीब हो जाते हैं, तो जो मांगे होती हैं MLA के पास जाने के लिए तो वो रास्ता हमारा ही बनता है, और हमारे पास कोई अधिकार और पावर नहीं है। तो इस पावर और अधिकार को, हमारा हक और जो हमारा अधिकार नाम दिया गया है इसको, तो इसके लिए हम सभी आने वाले टाइम में सरकार से अपनी मांगे रखेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे स्वेच्छा से बहुत आसान तरीके से पूर्णतः करेगी, क्योंकि इससे सरकार को भी, जो सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है उनको भी फायदा है, और जो पार्षद हैं इनका भी अपना जो बोझ है, जो लोगों की उम्मीद है उन पे खरा उतर सके, क्योंकि समाज सेवा का कोई भी काम हो आप वो करोगे तो बगैर पैसे के, बगैर पावर के कोई काम नहीं हो सकता, ये अटल सत्य है। सही बात सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा पार्षद एकता जिंदाबाद, 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 हमारा हक हमारा अधिकार। तो साफ तौर पे आप इनकी बातें भी सुन चुके हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या एक जो पार्षद है उसके, उसको छोटे जनप्रतिनिधि की क्या हैसियत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर अब देखें तो अब इनका जो मानदेय है, जो इनकी आप तनख्वाह भी कह सकते हैं, पेंशन भी उसको आप बोल सकते हैं, वो मात्र ही 3,000 रुपये है, और जो सरपंच का मानदेय है वो 5,000 रुपये प्रति महीना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका जो मानदेय वो कितना है, और एक अगर विधायक की बात करें तो आप समझ ही सकते हैं हर बार उनका बढ़ता भी है, और जब तक वो सत्ता में रहें ना रहें लेकिन जितनी बार भी बनेंगे उतना ही मल्टीप्लाई या प्लस होता चला जाता है। और इसी विषय को लेकर के एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए, लेकिन आप इस विषय को लेकर के सोचें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या इतना मानदेय होना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।